दोस्तों आखिरकार दूसरे क्वालिफायर मुकाबले से पहले संजू सैमसन को आरसीबी की टीम के खिलाफ हार मिलने का डर सताने लगा है। और ऐसे में दूसरे क्वालिफायर मुकाबले से पहले क्या बोले हैं संजू सैमसन आरसीबी की टीम के खौफ को देखते हुए, वो सब तो आपको आज की इस वीडियो में हम दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि संजू सैमसन और फाफ डू प्लेसिस में से आज किसकी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी संजू सैमसन को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 का आज दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आईपीएल 2022 की दो खतरनाक टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि इस क्वालिफायर मुकाबले में आज आमने सामने राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमें होने वाली है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिछले ही मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को करारी हार देकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई। तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद यहां पर पहुंची है। तो ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमों में से जौन सी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल में गुजरात टाइटंस की टीम से दो दो हाथ करेगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि आईपीएल 2022 की रेस जितनी ज्यादा रोमांचक हम सभी को नजर आ रही है, उतनी ही शायद उनकी टीम के कप्तानों के लिए नहीं है। क्योंकि ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान संजू सैमसन को तो हम सभी जानते ही हैं कि वो किस मिजाज के खिलाड़ी हैं। और ऐसे में राजस्थान की चिंता उन्हें लगातार दिन प्रतिदिन सता रही है। और अभी आप सभी ने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने लखनऊ के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन को देखने के बाद अब संजू सैमसन की भी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर संजू सैमसन का अब एक बड़ा बयान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले से पहले निकल कर आए। जी हां दोस्तों, यहां पर क्वालिफायर मुकाबले से पहले संजू सैमसन कहते हैं कि आज के मुकाबले में बैंगलोर की टीम को हराना हमारे लिए सबसे कठिन चुनौती होगी। हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों में बैंगलोर की टीम ने जो वापसी की है वो काबिले तारीफ है, और उनके एक एक खिलाड़ी का फॉर्म में आना उनकी टीम के लिए अच्छा संकेत है। अगर बैंगलोर की टीम को हम आज हरा देते हैं तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बैंगलोर की टीम ने इस आईपीएल सत्र में काफी अच्छा खेल दिखाया है। और अभी लखनऊ की टीम को जिस अंदाज में बैंगलोर की टीम ने हराया वो सराहनीय है। और मैं जानता हूं कि आरसीबी आज हमें काफी कड़ी चुनौती देगी। उनकी टीम में दिनेश कार्तिक, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार और गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा समेत अन्य तमाम खिलाड़ी मौजूद है, जो कि मैच का रुख कभी भी पलटना जानते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये मैच हम जरूर जीते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कठिन होगा। लेकिन हमारी टीम के खिलाड़ी हार नहीं मानेंगे। युजवेंद्र चहल से हमें काफी उम्मीद होंगी कि वो अपनी पुरानी टीम आरसीबी की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करे और उनको बैकफुट पर ढकेलने का काम करे। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर संजू सैमसन के इस बयान में साफ सीधा उनकी चिंता दिखाई देती है कि उन्हें आखिरकार बैंगलोर के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर मुकाबले से पहले कितनी चिंता सता रही है। लेकिन अब आप सभी को क्या लगता है कि बैंगलोर के खिलाफ क्या संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान की टीम जीत पाएगी दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।